जैसा कि आप सभी दिल्ली वासियों को पता है कि NDMC में TMR कर्मचारी अभी नहीं हो पाए हैं पक्का, जिसकी लड़ाई लड़ रहे कृष्णपाल खटाना। जी हां, कृष्णपाल खटाना NDMC कर्मचारी महागठबंधन के अध्यक्ष कहे जाते हैं। आज उनके महागठबंधन का मैराथन बैठक थी, जिसमें उपस्थित थे महागठबंधन संयोजक जितेंद्र और कार्यवाहक लाल साहिब सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार गोस्वामी, उपाध्यक्ष बीना टोपाल, वेदपाल भाटी, सन्नी चंदेलिया, शंभु भूषण गौड़, अशोक सेठी, सनी सोलंकी। तमाम कर्मचारियों की मैराथन बैठक के बाद निकल के आया NDMC TMR कर्मचारी संघर्ष समिति, जिसकी जिम्मेदारी जोरदार तालियों फूलमालाओं के साथ दे दिया गया पूजा उज्जैन वाल को, जिनकी कार्यकारिणी आज घोषित हुई, जिसमें महासचिव बनाए गए नवीन सिंह रावत, कोषाध्यक्ष श्री कृष्ण रैकवार, संगठन मंत्री अतुल कुमार पल्लू और प्रचार मंत्री महेश सती। आइए हम सुनाएंगे वहां पे उपस्थित लोग किस तरीके से लगा रहे थे नारा और किस तरीके से थे उत्साहित, जहां जिस प्रकार कृष्णपाल खटाना की चारों तरफ हो रही थी वाहवाही, जहाँ कृष्णपाल खटाना की ही हो रही थी तारीफ, जहाँ कृष्णपाल खटाना ने भी फूल मालाओं के साथ पूजा उज्जैनवाल को NDMC TMR कर्मचारी संघर्ष समिति का अध्यक्ष चुना। वहीं उन्होंने विश्वास भी जताया कि NDMC कर्मचारियों का बहुत ही जल्द सारी समस्याएं हो जाएंगी दूर। आप देख भी रहे होंगे किस प्रकार से लोग आज पूजा उज्जैनवाल को सम्मानित कर रहे हैं, और जिस प्रकार से कृष्णपाल खटाना और उनके सहयोगी सभी महागठबंधन के पदाधिकारी लोग सम्मिलित थे, आज वह देखने का दृश्य होगा जब TMR कर्मचारियों को मिलेगी विजय। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, आपने हमारी बात NDMC तक प्रशासन तक पहुंचाते हो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे जितने भी NDMC के TMR बंदे हैं, मेरे सारे बहन भाई, आज आप लोग ये सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, और जैसे 2002 में कुल्लर मैडम जैसे इनको परमानेंट कर गई थी, इसी प्रकार से इनकी मांग है। हमको बहुत दिन हो गए हैं, 7-8 साल 10-10 साल हो गए हैं, और इसी प्रकार से हमको परमानेंट कर दिया जाए, कोई संगठन बनाया जाए। हाँ, आज इनको अपने इन्होंने TMR वालों ने NDMC TMR कर्मचारी संघर्ष समिति का इन्होंने बिगुल बजा दिया है। हाँ, उसका आपको अध्यक्ष चुना गया, उसमें हमारी ये बहन है, छोटी बहन है पूजा, इसको इन्होंने अध्यक्ष चुना गया है। सत्य का आधार लेकर हम हिमालय से खड़े हैं। NDMC अपने किए हुए वायदे, जो 500 दिन वाली थी बात, वो भी मुकर रही है। जो TMR कर्मचारी 13,000 मात्र 13,000 में 3 महीने की सेंक्शन में कैसा अपने परिवार चलाता होगा, इस महंगाई के युग में आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। मैं ये कहना चाहूँगी, जितने हमारे TMR भाई बहन हैं, ये अपना TMR का टाइम भी और RMR का टाइम भी निकाल चुके हैं, और जो 3-3 महीने की सेक्शन से इन्होंने घर चलाया और 3 महीने जो इनकी दुर्गति हुई है वो समझ जाए और आगे इनको परमानेंट ही किया जाए। कई दिनों से कई लोग आ रहे थे खटाना जी के पास कि इनकी समस्याएं तो TMR वालों की बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे सभी जानते हैं कि बिना एकता और बिना संगठन की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। तो खटाना जी ने अपने मार्गदर्शन में, जैसे पहले भी एक कर्मचारी महागठबंधन के अध्यक्ष है, उत्थान संगठन के अध्यक्ष है, फेडरेशन ऑफ NDMCRW के अध्यक्ष है, इन्होंने लंबा संघर्ष किया है, 15 साल से सोसाइटी का चुनाव जीत रहे हैं, तो इनके नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, फिर हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि TMR कर्मचारियों की समस्याओं को तो ऐसे सुलझाया नहीं जा सकता, इनके दर्द बहुत है, उपाय कम है, तो उस उपाय को ढूंढने के लिए इनके संगठन को कहा गया NDMC TMR कर्मचारी संघर्ष समिति, और खटाना जी मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगे, हम लोग इनके साथ सहयोगी के रूप में रहेंगे, संघर्ष इन्हीं लोगों को करना है, बस हम लोग मार्गदर्शन करेंगे, इनको बताएंगे कि क्या करना है। इनका जैसे कि बहन ने बताया है कि 3 महीने का मिलता है सेंक्शन, भी 3 महीने ब्रेक हो जाता है, ब्रेक पे इनके साथ क्या क्या बीती है, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। पहले 8 महीने का मिलता था, साल में 8 महीने का लगातार 180 दिन, उसको कम करके अब 3-3 महीने कर दिया गया है। जो नेचर ऑफ वर्क है वो परमानेंट है, ऐसे अन्याय नहीं कर सकते शासन, लेकिन कर रहे हैं, इसलिए कर रहे थे क्योंकि संगठन नहीं था, हम संगठन बनाए, उसके माध्यम से इनकी समस्याओं को हम सक्षम अधिकारी तक रखेंगे और
खटाला जी के नेतृत्व में भगवान अच्छा करेंगे और विश्वास है कि जीत हमारी है।